सब्सक्राइब कीजिए नेट सीखो सिखाओ और दबाएं नोटिफिकेशन बेल ताकि आप देख पाएं वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर काउंटिंग को लाइव कैसे देखा जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहें। हेलो नमस्ते, मेरा नाम विनोद, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेट सीखो सिखाओ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐप यूज करना सीखेंगे जिसका नाम है लाइव यूट्यूब सब्सक्राइबर। दोस्तों, इस ऐप की मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को लाइव देख सकते हैं, यानी कि आपके सब्सक्राइबर कितने देर में आते हैं, आपके सब्सक्राइबर कितने देर में जाते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऐप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है लाइव यूट्यूब सब्सक्राइबर। तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं लाइव यूट्यूब सब्सक्राइबर, उसके बाद सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद में दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं तीसरे नंबर वाले ऐप को आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए हम तीसरे नंबर वाले ऐप पर हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, ये ऐप मैंने पहले से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ ओपन वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ और ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ऐप ओपन करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको सर्च वाली ये बटन जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको अपने चैनल का नाम डाल देना है, उसके बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में आपको अपने चैनल पर क्लिक करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं और हमारे चैनल पर कितना व्यूज़ है वो दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे चैनल पर कितनी वीडियो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे घटेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा। जैसे कि अगर आपके एक घंटे में कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा, तुरंत लाइव दिखाई देगा। अगर आपके सब्सक्राइबर घटते हैं तब भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने सब्सक्राइबर काउंटिंग को लाइव देख सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ ट्रिपल लाइन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको ये जो साइन आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, क्या है कि मैं पहले से ही इसमें एक बार किसी जीमेल आईडी से लॉगिन हो चुका था, इसीलिए यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर साइन आउट कर देते हैं, उसके बाद फिर से साइन इन कर लेते हैं। तो यहाँ हम अपने यूट्यूब चैनल नेट सीखो सिखाओ को साइन इन करेंगे। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ फिर से आप ट्रिपल लाइन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट साइन इन दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, माय चैनल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको अपने चैनल पर क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं आपके चैनल के सब्सक्राइबर काउंट लाइव दिखाया जा रहा है, यानी कि आपके चैनल पर जब कोई सब्सक्राइबर आएगा तो यहाँ पर अंक बढ़ जाएगा। अगर कोई आपके चैनल से सब्सक्राइबर जाएगा तो यहाँ पर अंक घट जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने YouTube चैनल सब्सक्राइबर को लाइव देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग मिल जाती है रिफ्रेश का, यानी कि कितने देर में रिफ्रेश हो। तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ आपको रिफ्रेश का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको एक सेकंड कर देना है, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ फिर से आपको उसी डैशबोर्ड वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर यहाँ चैनल पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से आपको अपने चैनल पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर और आपके चैनल के व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, आपके कितने चैनल में वीडियो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर काउंटिंग को लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।